आपकी बेटी हवा की तरह है, जो हर पल आपके सामने रहती है और आपको दिखाई नहीं देती। आपकी बेटी आपके ख्वाब की जैसी, जो आपके आपके जहन में तो रहती है लेकिन आपके सामने कभी नहीं आती। आपकी बेटी आपकी वो तमन्ना है जो आपके दिल में लेकिन कभी पूरी नहीं होती। उसका नाम क्या है, कहां रहती है वो, हमें साफ साफ बताओ, बताओ हमें साफ साफ। अल्लाह, एक बाप की तरफ तो हम भी महसूस कर सकते हैं। आपकी बेटी का नाम है, क्या नाम है आपकी बेटी का नाम, आप बस यूं समझ लीजिए कि हमारी जबान पर है, हमारी जबान पर है कि लेकिन क्या करें, कम वक्त में याद ही नहीं आ रहा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तुम्हें खुदा का वास्ता, हमारे पास सब कुछ है लेकिन अपनी बेटी नहीं, तो ये जिंदगी अधूरी सी लग रही है। हमें हमारी बेटी से मिला दो, हमारी जिंदगी को मुकम्मल बना दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो तुम, बताओ हमें हमारी बेटी कहाँ है, मिला दो हमें अपनी बेटी से। कभी किसी को मुकम्मल, क्या कह रही हो तुम, हमारी बेटी कहाँ है, बताओ बताओ हमें हमारी बेटी कहाँ है। कभी किसी, सर इससे ज्यादा हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, अगली बार जब आप यहाँ पर आइएगा ना तो कुछ मीठा लेकर आइएगा, क्या पता हमारे मुंह से भी कुछ मीठा निकल जाए। आइएगा जरूर मिठाई लेके। कभी किसी को मुका, तुम बिल्कुल अपने अब्बू की तरह लग रहे हो। कहते हैं कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, गलत कहते हैं। जब माँ बाप अपने बेटे को अपने अब्बू के कपड़े पहने हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बीते हुए वक्त ने फिर से उंगली पकड़ ली हो। नहीं पा रही हूं कि मैं कैसा फील कर रही से। हमने बहुत बर्दाश्त किया अम्मी, और बहुत चाल खेल चुके वो लोग, अब हमारी बारी है, आखिरी चाल। शेर और मौत, गेम ओवर। उसके बाद हम जीत की खुशियां मनाएंगे, और हाँ उस
जश्न में आप सबके लिए एक सरप्राइज भी तो है। क्या? हमें भी तो बताओ। सरप्राइज था, पर मिस फारूकी की प्रॉब्लम यही है कि वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकती। और वो सरप्राइज क्या था वो आप लोगों को कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आ गए आप। मेरी समझ में नहीं आता ये बार बार आप चले कहां जाते हैं? यहां क्या क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? राशिद मियां बोल पा रहे हैं और जल्दी ही वो सबके सामने स्टेटमेंट देने वाले हैं। अल्लाह कसम, अगर राशिद मियां ने अपनी जुबान खोल दी ना तो आप समझिए हमारा तो किस्सा यहीं खत्म। आपको क्या हो गया जी? यहां हमारी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है और आप हैं कि खुदा जाने कहां घूमते रहते हैं। आपको आपको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि हमारा क्या होगा? और हम कर भी क्या सकते हैं रजिया? मतलब आप क्या कह रहे हैं? यहां असद हमारे घर में हमें जेल पहुंचाने की बात कर रहा है और आप हैं कि खामोश बैठे हुए। बस करो रजिया, बस करो, बहुत हो गया। 17 सालों से अपने गुनाहों को छुपाने की फिराक में हमने पता नहीं और कितने गुनाह कर दिए हैं और अब हम थक चुके हैं रसिया। अब तुम भी बस कर दो, अपने गुनाहों को अपना नाम देने का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। खुदा जाने आपको क्या हो गया है। ये राशिद मियां को इस वक्त कहां लेकर जा रहे हैं? मैं देखती हूं। राशिद मियां, बड़े सख्त जानो कि अब तक जिंदा हो। बाखुदा मुझे नहीं लगा था कि आप बच पाओगे, लेकिन आप बच भी गए और माशाल्लाह जुबान तक चलाने लगे। ऐसी हालत में तो इंसान के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता, आप अफसाने सुनाने चले? क्या बताएंगे दुनिया को कि हमने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, कि हमारी वजह से आपका सब कुछ छिन गया? दिलशाद, असद, नजमा, वो हर चीज जो आपको अजीज थी वो छिन गई। यहां तक कि आपकी जान लेने की भी कोशिश की। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।